गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। और अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मैं डायरेक्ट आज खाना बनाने वाली हूँ। और नाश्ता आज नहीं बनाऊँगी, बस हस्बैंड अभी आएंगे तो बना दूँगी चाय वगैरह। और कुछ कुछ है रहते हैं घर में, वही खा लेंगे। आज कुछ बनाने वाली नहीं हूँ और आज से मैं जाने वाली हूँ जिम। तो सोची तो देखिए फिर कब तक हो पाता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को घर पे भी आगे काम करना पड़ता है, तो कभी वो बिजी रहेंगे तो वो नहीं जाना हो पाएगा। अभी तो फिलहाल परमिशन मिल गया है कि आधा घंटे तक इस चिटकी को पकड़ के रखेंगे ना, पापा के पास रहेगी ना। तो हाय बोलो। और देखिए फिर कितना दिन तक हो पाता है। तो आज मैं डायरेक्ट खाना बनाने जा रही हूँ, तो उसी का रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। चलिए फिर। और अभी मैं जा रही हूँ बनाने सब्जी। सब्जी मैं बनाने जा रही हूँ ये वेज हरा भरा या वेज हैदराबादी, आप लोग जो भी बोलते हैं या आपके साइड जो भी बोला जाता है वही। बस उसमें ना थोड़ा सा पालक डाल देंगे तो वो ग्रीन ग्रीन दिखता है, इसलिए उसका हरा भरा नाम पड़ गया है। और वो इसमें ज़्यादातर ग्रीन ग्रीन सब्जियां डलती है, तो ग्रीन में मेरे पास तो बस बीन्स और ये कैप्सिकम है। और बाकी मैं थोड़ा आलू, थोड़ा गोभी, थोड़ा गाजर ये सब ली हूँ। और थोड़ा सा ये क्यूब्स में कटे हुए प्याज भी ली हूँ। और आप चाहे तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। और तेल गरम होने के बाद ये डाल देंगे, साबुत मसाले हैं, इलायची है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, ये काली मिर्च, दालचीनी और ये तेज पत्ता है, इसको डाल देंगे। उसके बाद प्याज डाल देंगे, ये रफली चॉप किया हुआ प्याज है, डाल देंगे। साथ में मैं डाल देती हूँ ये लहसुन की कली है, लगभग 6-7 है, इसको डाल देती हूँ। और 1 मिनट भुनने के बाद टमाटर को डाल देंगे। साथ में मैं ग्रीन चिली भी डाल देती हूँ और बस थोड़ा सा भूनेंगे, जब तक ये थोड़ा सा टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए तब तक भूनेंगे। आप चाहे तो टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं या फिर ऐसे ही गला सकते हैं। और साथ में मैंने ये इधर रख दिया कढ़ाई तेल गर्म होने के लिए। और ये सारे सब्जियों को ये करना है, फ्राई करना है। आप चाहे तो सेलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप तल के बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर आपकी मर्जी, जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। और थोड़ा सा सॉफ्ट होने के बाद ये मैं पालक ली हूँ। मैं थोड़ा ही सब्जी बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, मैं तो थोड़ा ही बनाती हूँ, दो लोग के लिए कितना बनाऊँ। और ये सब थोड़ा सा टमाटर सॉफ्ट हो जाए उसके बाद इसको डाल देंगे, पालक को डाल देंगे। पालक को कट कर ली हूँ मैं, बस पत्ता पत्ता लेना, उसको डंठल का नहीं, उसके डंठल को नहीं लेना है। और साथ में मैं डाल देती हूँ काजू, थोड़ा सा काजू डाल देंगे, मेरा काजू खत्म नहीं हो गया है। और इसको कवर करके पकाएंगे जब तक ये थोड़ा पक ना जाए अच्छे। और मसाले अच्छे से भून चुकी है तो मैं फ्लेम को ऑफ कर दी हूँ। और इसको पूरा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसका पेस्ट बना लेंगे। और ये इधर मैं सब्जी फ्राई कर रही हूँ तो इसको ठंडा होने देते हैं।
फिर उसको गर्म में बिल्कुल भी मत पीसिएगा, नहीं तो उड़ जाते हैं, उड़ने लगते हैं ये मिक्सर में डालने पे। बनाने सब्जी तो थोड़ा सा तेल ले लेती हूँ मैं, आप चाहे तो थोड़ा तेल और थोड़ा सा घी या बटर डाल के बना सकते हैं। और तेल गर्म होने के बाद डाल देंगे ये चॉप किया हुआ प्याज, चॉप किया हुआ टमाटर, थोड़ा सा डाल देंगे धनिया, धनिया इसी टाइम डालना है, लास्ट में नहीं डालना है इसमें। और उसके बाद ये डाल देंगे पेस्ट जो मैंने अभी बनाया था, पेस्ट तैयार करके वो डाल देंगे। और अभी मसाले डाल देंगे, मसाले में मैं ले रही हूँ लाल मिर्च, बस थोड़ा थोड़ा लेना है, आधा आधा चम्मच, और आधा चम्मच में डाल लेती हूँ धनिया, हल्दी नहीं डालना है इसको, क्योंकि इसको ग्रीन रखना है, और अगर आप हल्दी डाल लेते हैं तो वो थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, हल्दी नहीं डाला जाता है, अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं। और बस इसको पकाएंगे, मसाले अच्छे से भून चुकी है, तो अभी मैं ये फ्राई किया हुआ सब्जी को डाल देती हूँ। आप भी कोशिश कीजिए कि फ्राई करके ही बनाएं, फ्राई किया हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं सारी सब्जियों को डाल देती हूँ। और ये क्यूब्स में कटे हुए अनियन है, इसको मैं फ्राई नहीं करती हूँ, बिना फ्राई किए डालती हूँ आप चाहे। और अभी मैं डाल देती हूँ दूध, दूध डालने के बाद कंटिन्यू चलाते रहिए, नहीं तो आपके दूध फट भी सकते हैं। आप चाहे तो थोड़ा लास्ट में दही भी डाल सकते हैं दूध के जगह, या फिर अगर दो दूध दही नहीं डालना चाहते हैं तो पानी डाल सकते हैं। और ये बॉईल किया हुआ मटर है, मैं भूल गई थी तो मैं इसको भी डाल देती हूँ। थोड़ा गरम मसाला, और बस इसको ढक के कम से कम 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। मैं गई थी जिम के लिए, लेकिन जिम बंद था, जिम का टाइम चेंज हो गया है। मुझे मैं एक बार पहले पूछ के आई थी तो उन्होंने बताया था सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहेगा, लेकिन अभी टाइम चेंज हो गया है, मैं 9 बजे गई थी तो बंद था, तो मैं वापस आ गई हूँ। मैं कल कोशिश करूँगी कि कल सुबह जल्दी जग के जल्दी जाने का, लेकिन जगह ही नहीं जाता सुबह, देखते कोशिश करेंगे जगने का। और मैं गई थी जिस काम गई वो तो हुआ नहीं, लेकिन ये है डिनर, वेज हरा भरा, और ये थोड़ा सलाद है, और ये है गाजर का हलवा, और साथ में मैं बनाई हूँ ये पराठा। तो बस यही है आज का हमारा डिनर। आपके लिए है, ले लो, अरे तुम्हारे लिए भी है, क्या खाना है? अरे भाई आपका चॉकलेट, इनका चॉकलेट रखा हुआ है। और ये मिला है मुझे 2 पैकेट चॉकलेट, चॉकलेट तो मैं खाती ही नहीं हूँ, मेरी बेटी खा के ख़त्म करेगी।
एक पैकेट उसके लिए, एक पैकेट मेरे लिए था। और चलिए फिर आप लोग बताइएगा कि आप लोग कौन कौन सा चॉकलेट मिला तो, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। सो गाइज, आप लोग बताइएगा कि रेसिपी कैसा लगा आप लोग को, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।